हाल ही में 4 दिसंबर यानी नेवी डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की कि भारतीय नौसेना के जो रैंक्स के नाम हैं वो भारतीय संस्कृति के अनुसार चेंज कर दिए जाएंगे। वैसे तो हमारी भारतीय नौसेना की शुरुआत जो है वो शिवाजी के टाइम से ही जानी जाती है, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि जो शिवाजी की नेवी थी उसी के आधार पर हमारे भारतीय नौसेना के रैंक्स के ऑफिसर्स के नाम चेंज कर दिए जाएं। आइए इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि भारतीय नौसेना का इतिहास क्या रहा है, शिवाजी की नेवी में ऑफिसर रैंक्स के क्या नाम थे और इंडियन नेवी का करंट में क्या पोजीशन है, भविष्य में इसकी क्या योजनाएं हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानते हैं। भारत की नौसेना जहाज की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर की नियुक्ति के लिए इंडियन नेवी डे के दिन भारतीय नौसेना को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नौसेना के रैंक्स में एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया कि नौसेना कर्मियों और अधिकारियों के रैंक का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार बदल दिया जाएगा। अपने नौसेना दिवस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भारत सरकार की योजनाओं का खुलासा किया जो हमारी रक्षा बलों में महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शिवाजी की नौसेना का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज समुद्री शक्ति के महत्व को जानते थे। उनके नारे का अर्थ था कि वो जो नियंत्रण कर सकता है समुद्र सबसे शक्तिशाली है। भारतीय नौसेना के रैंक्स का नाम अब भारतीय परंपराओं के अनुरूप रखने का मतलब ये है कि इससे ब्रिटिश शासन के समय के पद खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो कौन से पद हैं जिनके नाम बदले जाएंगे, उनकी जगह किस तरह के नाम रखे जा सकते हैं? शिवाजी राजा भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को किया। मूर्ति नौसेना के पूर्वगढ़ सिंधुदुर्ग में लगाई गई है। आज भी यहाँ पर नौसैनिक गतिविधियाँ होती रहती है। शिवाजी ने 1674 में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की, साथ ही समुद्री जंग के लिए अपनी नौसेना भी तैयार की। उन्होंने कोंकण से लेकर गोवा तक समुद्री किनारों पर मजबूत नौसेना तैनात कर दी थी ताकि इन बंदरगाहों से सुरक्षित व्यापार हो सके। शिवाजी की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच सेनाएं भी हार जाती थी। शिवाजी जंगी जहाजों के अलावा कल्याण, भिवंडी और गोवा में जहाजों का निर्माण करवाते थे। शिवाजी ने कई समुद्री किले भी बनवाए थे ताकि इन जहाजों की मरम्मत तट के किनारे ही हो सके। उसी में से एक है सिंधुदुर्ग। नेवी डे के दौरान इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हर कुमार भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के दौरान 20 जंगी जहाज MiG-29 के और नौसैनिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट समेत 40 विमान ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा नौसेना के सबसे शानदार मार्कोस कमांडो की ताकत का प्रदर्शन भी हुआ। इंडियन नेवी परमाणु युद्ध रोकने, सी लिफ्ट, फोर्स प्रोजेक्शन और नेवल वॉरफेयर के लिए बनाई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात के सेंटर एम्यूसन सपोर्ट लॉजिस्टिक मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्को स्पेस, एयर स्टेशन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट बेस आदि पर काम करते हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास 75,000 रिजर्व, 67,257 सक्रिय जवान हैं, 300 एयरक्राफ्ट हैं, 150 जहाज और सबमरीन हैं, 4 फ्लीट टैंकर्स हैं, 1 माइन काउंट मेजर वेजल है, 24 कार्बेट्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इंडियन नेवी दुनिया की टॉप 10 नेवी में 7वें नंबर पर है। आगे भारतीय नौसेना की बात की जाए तो इसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, 1 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, 14 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, कई छोटे पेट्रोल बोट्स हैं। भारतीय नौसेना के पास स्वदेशी और विदेशी मिसाइलों की भरमार है। इनमें सबमरीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जहाज से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज और एंटीशिप मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें नौसेना के पास हैं, टॉर्पीडोज हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, 100 किलोमीटर की AK-190 गन से लेकर KS-35E क्वाड उड़ान और ASW-RBU-2000 आदि हैं। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है भारतीय नौसेना। वरुणास्त्र जैसे हैवी वेट टॉर्पीडो भी हैं। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं, 16 पारंपरिक अटैक पनडुब्बियां हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 7 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं,
8 लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं, 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, 12 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना में 18 कॉर्वेट जहाज हैं, 10 ऑफशोर पेट्रोल वेजल हैं, 18 पेट्रोल वेजल हैं, 108 पेट्रोल बोट्स हैं, 3 ऑक्सिलरी रिप्लेनिशमेंट फ्लीट हैं, 10 रिसर्च सर्वे और ट्रैकिंग वेजल्स हैं, 7 सपोर्ट शिप हैं, 6 ट्रेनिंग वेजल्स हैं और 24 टग बोट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।